हाय, हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और मैं जानती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी पूजा का मंच चल रहा है तो हंसी खुशी सबका भी तरह सबका अच्छे से ही बीते होंगे। तो चलिए, आज मैं आपसे, अभी रात है तो रात का डिनर की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आज कुछ अलग बना रही हूँ। तो चिकन भी लाई हूँ मार्केट से, फिश भी लाई हूँ। फिश कल बनाऊंगी, आज नहीं। और मैं चिकन को बना रही हूँ कुछ अलग से। मैंने चिक पीस और टमाटर, इसको नमक और हल्दी मिला के थोड़ा सा मैंने कुकर में सीटी मार लिया है दो तीन। अभी इसके साथ में मैंने चिकन को बनाना है और रात को रोटी बनाऊंगी। भात थोड़ा सा है दिन का, दाल भी है, थोड़ा सा सब्जी भी बची हुई है, तो डिनर में बस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी रेसिपी। मैं पहले तेज पत्ता दे रही हूँ। बस क्यूमिन सीड्स देना है, थोड़ा सा मैं ज्यादा डाल रही हूँ। थोड़ी सी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डालूंगी, दो लौंग डालूंगी, दो इलायची, छोटी इलायची, और थोड़ी सी दालचीनी डालूंगी। मेरे हस्बैंड को ज्यादा गर्म मसाला पसंद नहीं है तो थोड़ी सी डालूंगी ताकि उनको पता ना चले। तो अब मैं फटाफट प्याज काट लेती हूँ। तो मैं अभी, मेरी जीरा थोड़ी सी भुनी हुई लग रही है तो मैं इसमें अभी प्याज डाल देती हूँ। थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, और मैंने अभी मसाला पीस लिया है। तो इसमें है अदरक है, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, तो ये सब मैंने पीस लिया है अभी। तो अभी इसमें डालूंगी, ये थोड़ी सी मैं रख दूंगी बोतल में भर के फ्रिज में ताकि ये दो दिन चले, ताकि मुझे फिर कल के लिए सोचना ना पड़े कि मसाला मैं क्या क्या दूं। तो मैं थोड़ी सी जब पीसती हूँ तो थोड़ा ज्यादा करके पीसती हूँ, थोड़ा बोतल में भर के रख देती हूँ, तो मेरा दो दिन आराम से चल जाती है। मेरे बाद में तो ड्राई मसाला तो है ही, सूखा मसाला। तो प्याज थोड़ी हमारी ब्राउन में होने वाली है अभी, तो थोड़ी सी ही बाकी है। मैं इसमें चिकन में थोड़ी सी हल्दी, मामूली सी हल्दी, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी विनेगर डाल दूंगी, एक चम्मच के करीब, बस थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं है। हमारी बिल्ली मौसी भी है, मीनी हेलो। मैं इसको थोड़ा सा मसल के रख दे, थोड़ा मैरिनेट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो ऑलमोस्ट मेरी अभी प्याज भुन चुकी है, देखिए थोड़ा सा भुन चुकी है, जैसे मुझे चाहिए था वैसे हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा चिकन को डाल दूंगी अभी इसको फ्राई करने के लिए। मुझे फ्राई करनी है थोड़ी सी हल्के ज्यादा नहीं मान लीजिए। मेरी जो टमाटर दी थी उसको मैं निकाल के रख रही हूँ, ये बॉयल मैंने दे दिया, अभी दे दूंगी तो जो थोड़ा मैश हो जाएंगे, और हरी मिर्च वगैरह जो है वो मैं थोड़ा उठा लेती हूँ। थोड़ा सा बस फ्राई करना है। अच्छा, थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है मेरी चिकन,
तो अब थोड़ा सा ड्राई मसाला मैं दे देती हूँ। हल्दी तो मैंने दिया ही था, चिक पीस में भी थोड़ा सा हल्दी मैंने दिया है, तो बस अभी थोड़ी सी और दे देती हूँ, थोड़ी सी और चाहिए। तो ये हो गया, थोड़ा सा जीरा पाउडर इतनी, मैं कुछ माप के नहीं देती हूँ, जितना मुझे लगता है कि इतना चाहिए बस उस हिसाब से ही मैं देती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी और दे देती हूँ, थोड़ा तीखा मुझे पसंद है और सबको पसंद है तीखा, रोटी के साथ खाई जाएगी तो थोड़ा सा तीखा बनता ही है। तो थोड़ा मैंने नमक चिक पीस में भी दिया है और चिकन में भी मैंने थोड़ा सा दिया है, तो मैं मामूली सा अभी देती हूँ, अगर बाद में टेस्ट के हिसाब से देखूंगी चाहिए होगा तो मैं और दे दूंगी। अब मैं मसाला जो मैंने पीसी हुई थी मसाला वो मैं दूंगी, 3 चम्मच बस, बड़ी चम्मच है। अब मैं थोड़ी सी भूनूंगी, देखिए अच्छी कलर आ रही है। और मैं ये थोड़ी सी बिरयानी मसाला है जो मैंने पैकेट को फेंक दी है, बस इसे रखी है, थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी दूंगी मामूली सी, ताकि थोड़ा खुशबू अच्छा आ जाए, बस थोड़ी सी। अब थोड़ा सा भून लेते हैं, अब मेरी देखिए चिकन फ्राई हो चुकी है, तो मसाला जो मैंने दिए थे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, अभी ऑयल उससे छोड़ रहा है। तो अभी देखिए वो मैंने जो टमाटर था उसको मैंने मैश कर लिया थोड़ा, बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे करके करके थोड़ा सा मैश कर लीजिए, मैंने मिर्ची भी मैश कर ली। तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, अब थोड़ी सी और भूनूंगी। थोड़ा सा मैं अभी इसको ढक देती हूँ, क्योंकि हमारा चिक पीस जो है ऑलमोस्ट बॉयल है, तो थोड़ा सा चिकन भी बॉयल हो जाए तो फिर मैं उसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसको ढक के फिर थोड़ा सा और फ्राई कर लेती हूँ। हेलो, अभी देखिए ये ऑलमोस्ट भून चुकी है, तो मेरे हस्बैंड को ज्यादा क्या बोलते हैं ये सब पसंद नहीं है कि ये सब चिक पीस वगैरह, तो मैं थोड़ा उनके लिए थोड़ी सी निकाल के रखूंगी, वो भी दूंगी, अब जो चाहे वो खाए, तो वो खुश तो मैं भी खुश। तो थोड़ी सी मैं निकाल के रखती हूँ उनके लिए, और ज्यादा नहीं, इतनी सी, स्वादिष्ट लग रहा है ना, ये मैं हस्बैंड के लिए रख देती हूँ, मैं इसको ढक देती हूँ। अब जो है अब मैं इसमें डाल देती हूँ, चिक पीस डाल दे रही हूँ, अब मैं इसको मिला दी हूँ, अब तो अब मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ। तो ढकने के बाद जब तक ये पकती रहेगी तो मैं थोड़ा सा बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। मैं अभी थोड़ा मार्केट गई थी, मार्केट जाके थोड़ा सब्जी वगैरह लाई हूँ, तो वो सब अभी मुझे फ्रीज में भरना भी है, थोड़ा देखना है क्या क्या लाई हूँ, मैं खुद भूल गई हूँ, बहुत सारी मार्केटिंग की है अभी, मैं गई थी बेटी गई थी तो सब लोग हम लोग घूम के भी आए थोड़ा सा और खरीद के भी लेके आए। तो अभी मच्छी भी धोना है और थोड़ा बर्तन भी साफ करना है, तो कर लेती हूँ, तब तक उबालने दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मैं सोच रही हूँ रोटी तो बनाऊंगी, दिन का थोड़ी सी चावल बची हुई है, लेकिन अगर हस्बैंड बोलेंगे तो मुझे चावल ही खाना है, तो मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ थोड़ी सी बिठा देती हूँ। तो मैंने 1.5 डब्बा लिया है, मैंने चावल को धो लिया अच्छे से, तो अब मैं हस्बैंड के लिए थोड़ा बना देती हूँ। थोड़ी सी और ये लक्ष्मी भोग चावल है, ये उष्ण चावल है, ये अरवा चावल नहीं है, तो थोड़ा इसमें पानी थोड़ा ज्यादा ही लगती है, तो थोड़ा सा ज्यादा दे दी। अभी थोड़ा मैं भिगाना भूल गई थी, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ चावल, तो अब
अगर अभी खाए तो खाए, नहीं तो कल हम लोग खा लेंगे। तो मैं थोड़ा बस अभी बिठा दी हूँ, अभी तो मेरा चिकन ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी, लेकिन आज आपको कलर शायद दिखा नहीं दे रहा है, मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है मोबाइल का, तो अच्छे से वो नहीं दिखा रहा है, तो माफ कर दीजिए मुझे। तो कलर बहुत ही सुंदर बढ़िया आए हैं जो आपको नहीं दिखेगी। मैं जब तक अच्छी कोई कैमरा या मोबाइल नहीं ले लेती हूँ तब तक आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा सा देखना होगा। तो ऑलमोस्ट देखिए बन चुकी है। मैंने सिर्फ दो चार चिक पीस को मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया ताकि इसमें इसका भी स्वाद आ जाए, थोड़ा सा दो चार ऐसे, तो ये थोड़ा गाढ़ापन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखिए गाढ़ापन इसका हो ही चुका है, देखिए। तो अब मैं इसमें धनिया ऐड करके इसको ढक के रख दूंगी। ऑलमोस्ट मेरी तैयार है चिकन और चिक पीस। अब है तैयार, ऑलमोस्ट तैयार। तो अब खाना है, अभी चावल पक रही है और रोटी बनाऊंगी गरम गरम फुल के, उसके बाद बस खाएंगे सब परिवार मिलके। तो कैसे लगा आप लोग, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से जल्दी भेजने की कोशिश करूंगी। तो आपने मच्छी तो देख ही ली है कि मच्छी मैंने लेके रखी है, अगर मच्छी मैं बनाऊंगी जब तो मैं पक्का बना के डाउनलोड करके आपको वीडियो जरूर भेजूंगी। आप लोग कैसे लगे आप देखिए, और आज की जो मैंने बनाई है रेसिपी ये आप खा के देखिए बना के कैसे लगते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग मुझे आशीर्वाद जरूर कीजिए कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। तो नमस्ते, गुड नाइट, बाय एवरीवन।